मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह का भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर व बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी द्वारा आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह का भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व माननीय राज्यपाल बिहार व श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय सांसद मोतिहारी श्री राधा मोहन सिंह कुलाधिपति व श्री महेश शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई और समारोह में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने माननीय राष्ट्रपति राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह एवं मधुबनी पेंटिंग एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत किया। माननीय राष्ट्रपति ने सबसे पहले दीक्षांत समारोह में प्रसिद्ध उद्योगपति लेखक सामाजिक विचारक श्री आर के सिन्हा एवं भारतीय अभिनेता फिल्म निदेशक एवं पटकथा लेखक श्री चंद्र प्रकाश त्रिवेदी को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। माननीय राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के विभिन्न संकायों स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पास आउट विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कुलाधिपति स्वर्ण पदक की उपाधि से सम्मानित किया।